हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक हेल्प। फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक टच स्विच सर्किट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले एज यूजुअल मेरा एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकॉन है उस आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर उस आइकॉन को आप लोग क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा और उस वीडियो को आप लोग तुरंत ही देख पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उससे पहले दोस्तों आज जो सर्किट हम बनाना सीखेंगे उस सर्किट के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। दोस्तों ये एक टच स्विच सर्किट है। फ्रेंड्स देखिए सर्किट में यहां पर एक रिले है। दोस्तों इस रिले के साथ हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट या फैन कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये है इस सर्किट का टच पैनल। दोस्तों इस टच पैनल को एक बार टच करते ही जो लाइट या फैन आपने इस सर्किट के साथ कनेक्ट किया है वो ऑन हो जाएगा। और दोस्तों इस टच पैनल को और एक बार टच करते ही जो लाइट या फैन आपने इस सर्किट के साथ कनेक्ट किया है वो ऑफ हो जाएगा। मतलब दोस्तों इस टच पैनल को एक बार टच करते ही लाइट ऑन हो जाएगा और दोस्तों इस टच पैनल को और एक बार टच करते ही लाइट ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये सर्किट ऐसे काम करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों इस सर्किट का सर्किट डायग्राम हम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक ब्लैंक पीसीबी बोर्ड का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक CD4017 आईसी। दोस्तों देखिए इस आईसी में टोटल 16 पॉइंट्स है। और फ्रेंड्स देखिए आईसी में यहां पर ये जो कटा हुआ भाग है इसके ठीक पास में ये जो पॉइंट है ये है इस आईसी का एक नंबर पॉइंट। और फ्रेंड्स आईसी के इस साइड में ये जो सारे पॉइंट्स है ये है नंबर 1 से लेके नंबर 8 तक। और फ्रेंड्स आईसी के इस साइड में ये जो सारे पॉइंट्स है ये है नंबर 9 से लेके नंबर 16 तक। और फ्रेंड्स ये जो 16 नंबर पॉइंट है ये है इस आईसी का पॉजिटिव पॉइंट। और दोस्तों ये जो 8 नंबर पॉइंट है ये है इस आईसी का नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 16 पिन आईसी स्टैंड। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस आईसी स्टैंड को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस आईसी स्टैंड को बोर्ड के साथ सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस आईसी स्टैंड में आईसी को ऐसे लगा देना है। दोस्तों देखिए आईसी का जो कटा हुआ भाग है ये है इस साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। देन दोस्तों उस तार को हम लोग इस आईसी के 8 नंबर 12 नंबर और 13 नंबर पॉइंट के साथ एक साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा और एक तार का टुकड़ा। देन दोस्तों उस तार को हम लोग इस आईसी के 4 नंबर और 15 नंबर पॉइंट के साथ एक साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक BC557 ट्रांजिस्टर। दोस्तों देखिए यह है इसका एमिटर पॉइंट, यह है इसका बेस पॉइंट और यह है इसका कलेक्टर पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस ट्रांजिस्टर को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। दोस्तों देखिए ट्रांजिस्टर का जो कटा हुआ भाग है यह है इस साइड में और जो राउंड पोर्शन है यह है इस साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस ट्रांजिस्टर को बोर्ड के साथ सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। देन दोस्तों उस तार को हम लोग इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ सोल्डर करेंगे। देन उसी तार को हमें सोल्डर करना है इस आईसी के 16 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए
अब हमें लेना पड़ेगा और एक तार का टुकड़ा। देन दोस्तों उस तार को हम लोग इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ सोल्डर करेंगे। देन उसी तार को हमें सोल्डर करना है इस आईसी के 14 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 के रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है। देखिए यहां पर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट और आईसी का 14 नंबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें 100 के रजिस्टर का दूसरा पॉइंट सोल्डर करना है। देखिए यहां पर आईसी का 8 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक BC557 ट्रांजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस ट्रांजिस्टर को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। दोस्तों देखिए, इसका जो कटा हुआ भाग है ये है इस साइड में और जो राउंड पोर्शन है ये है इस साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस ट्रांजिस्टर को बोर्ड के साथ सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। देन दोस्तों उस तार को हम लोग इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ सोल्डर करेंगे। देन उसी तार को हमें सोल्डर करना है। देखिए यहां पर इस ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट और आईसी का 16 नंबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक तार का टुकड़ा। देन दोस्तों उस तार को हम लोग इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ सोल्डर करेंगे। देन उसी तार को हमें सोल्डर करना है इस आईसी के 3 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 6 वोल्ट रिले। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रिले को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लेकिन दोस्तों लगाते समय आपको एक चीज ध्यान में रखना है, रिले के जिस साइड में 3 पॉइंट है वो साइड रहेगा बोर्ड के इस साइड में और रिले के जिस साइड में 2 पॉइंट है वो साइड रहेगा बोर्ड के इस साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें रिले को बोर्ड के साथ सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 तार का टुकड़ा। देन दोस्तों एक तार को हम लोग रिले के इस पॉइंट के साथ सोल्डर करेंगे। देन उसी तार को हमें सोल्डर करना है। देखिए यहां पर 100 के रजिस्टर का एक पॉइंट, आईसी का 8, 12 और 13 नंबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दूसरा तार का टुकड़ा। देन दोस्तों उस तार को हम लोग रिले के इस पॉइंट के साथ सोल्डर करेंगे। देन उसी तार को हमें सोल्डर करना है, देखिए इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। तो फ्रेंड्स चलिए, अब हम इस सर्किट का टच पैनल बना लेते हैं। दोस्तों टच पैनल बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक पतला लोहे का सीट। के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें उस लोहे के सीट से ऐसा एक बड़ा और एक छोटा राउंड शेप का टुकड़ा काट लेना है। काटने के बाद फ्रेंड्स देखिए, ये जो छोटा टुकड़ा हमने काटा है उस टुकड़े के पीछे की तरफ अब हमें एक पतला कार्डबोर्ड का पीस ऐसे गम से फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस छोटे टुकड़े को बड़े टुकड़े के ऊपर गम से ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 तार का टुकड़ा। देन दोस्तों एक तार को हम लोग इस प्लेट के साथ सोल्डर करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें दूसरा तार को सोल्डर करना है इस प्लेट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस टच पैनल को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए सामने की तरफ जो छोटा प्लेट हमने लगाया है उस प्लेट के साथ जो तार हमने सोल्डर किया है उस तार को अब हमें सोल्डर करना है। देखिए यहां पर 100 के रजिस्टर का एक पॉइंट, आईसी का 8 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और रिले का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, पीछे की तरफ जो बड़ा प्लेट हमने लगाया है उस प्लेट के साथ जो तार हमने सोल्डर किया है उस तार को अब हमें सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 9 वोल्ट बैटरी कैप। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस बैटरी कैप का जो पॉजिटिव तार है उस तार को हमें सोल्डर करना है। देखिए यहां पर इस ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट, इस ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट और आईसी का 16 नंबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें नेगेटिव तार को सोल्डर करना है। देखिए यहां पर 100 के रजिस्टर का एक पॉइंट, आईसी का 8 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, रिले का एक पॉइंट और टच पैनल का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। तो फ्रेंड्स चलिए, अब हम जान लेते हैं कैसे हम लोग इस रिले के साथ एक लाइट कनेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों एक लाइट में होता है दो तार। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई भी एक तार काट लेना है। काटने के बाद उस तार का एक एंड हमें सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ, उसके बाद दूसरा एंड हम लोग रिले के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद ये दो तार हम लोग डायरेक्ट एसी लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जान लेते हैं रिले कैसे काम करेगा। फ्रेंड्स एक रिले में होता है 5 पॉइंट, एक साइड में होता है 3 पॉइंट और दूसरे साइड में होता है 2 पॉइंट। दोस्तों जब रिले ऑफ पोजीशन में रहता है तब रिले का ये 2 पॉइंट एक साथ कनेक्टेड रहता है, लेकिन दोस्तों जब रिले में वोल्टेज आता है और रिले ऑन होता है तो ये 2 पॉइंट डिस्कनेक्टेड हो जाता है और ये 2 पॉइंट कनेक्टेड हो जाता है। तो फ्रेंड्स जब हम इस टच पैनल को टच करेंगे तो ये रिले ऑन हो जाएगा और दोस्तों रिले ऑन होते ही ये 2 पॉइंट डिस्कनेक्टेड हो जाएगा और ये 2 पॉइंट कनेक्टेड हो जाएगा। और दोस्तों ये 2 पॉइंट कनेक्टेड होते ही ये लाइट जलने लगेगा। और फ्रेंड्स जब हम इस टच पैनल को और एक बार टच करेंगे तो ये रिले ऑफ हो जाएगा और दोस्तों रिले ऑफ होते ही ये 2 पॉइंट डिस्कनेक्टेड हो जाएगा और ये 2 पॉइंट फिर से कनेक्टेड हो जाएगा। और दोस्तों ये 2 पॉइंट डिस्कनेक्टेड होते ही ये लाइट ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स रिले ऐसे काम करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक छोटा थर्मोकोल का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस थर्मोकोल के टुकड़े के ऊपर सर्किट बोर्ड को और टच पैनल को गम से ऐसे फिक्स कर लेना है। तो दोस्तों ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए इस सर्किट के साथ मैंने यहां पर एक 9 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस टच पैनल को टच करके देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए जैसे ही मैंने टच पैनल को टच किया ये लाइट ऑन हो गया। और फ्रेंड्स देखिए जैसे ही मैंने फिर से टच पैनल को एक बार टच किया ये लाइट ऑफ हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने घर में एक टच स्विच सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए Bye friends and thanks for watching.